ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड वी विल डिस्कस इट्स मीनिंग डेवलपमेंट एंड द रोल ऑफ जुडिशरी इन द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर जुडिशरी का रोल क्या रहा है, अच्छा रोल रहा है या बुरा रोल रहा है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपसे ही रिलेटेड है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी, सो यू मस्ट नो द हिस्ट्री डेवलपमेंट एंड मीनिंग ऑफ द जुडिशरी एंड यू मस्ट नो द रोल ऑफ जुडिशरी इन द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. ओके, सो लेट्स मूव. ठीक है, तो ओके, सो सबसे पहले हम जो देखते हैं वो हम मीनिंग देखते हैं ज़रा कि मीनिंग क्या है जो डेमोक्रेसी की. ठीक है, जुडिशियल सिस्टम है उसकी मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम ज़रा उस मीनिंग को देख लेते हैं. ठीक है, ओके, सो देखें, जुडिशियल सिस्टम को अगर मीनिंग दी जाए तो आपको हमने पहले बताया था कि गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट की जो है एक ब्रांच है जिसे हम जुडिशरी कहते हैं. ठीक है, जुडिशरी यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीसरी ब्रांच है जिसका काम होता है इंटरप्रिटेशन और जो है उसको लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना. सो जुडिशरी इज़ द थर्ड ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, इट इंटरप्रेट्स द लॉ एंड रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो जुडिशरी का काम क्या होता है, जुडिशरी का काम होता है कि जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करती है लॉज की, और अगर कोई इशू आ रहा है, डिस्प्यूट आ रहा है, तो उसको ये रिजॉल्व करती है. ठीक है, ओके, तो जुडिशियल सिस्टम क्या है, द सिस्टम ऑफ लॉ कोर्ट्स दैट एडमिनिस्ट्रेटर जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूट द जुडिशियल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड जुडिशियल सिस्टम. जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, यानी जो लॉ कोर्ट्स होती हैं, चाहे लोअर कोर्ट्स हों, हायर कोर्ट्स हों, सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, वो लॉ को एडमिनिस्ट्रेटर कैसे करती है, ठीक है, लॉ को डिसिमिनेट कैसे करती है, और जो इसी चीज़ को हम कहते हैं जुडिशियल ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, और इसी को ही हम कहते हैं जुडिशियल सिस्टम. यानी जो जुडिशरी का सिस्टम है जिसमें लॉ को एडमिनिस्ट्रेटर करना, लॉ को डिसिमिनेट करना और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं जुडिशियल सिस्टम. ये जुडिशियल सिस्टम की मीनिंग होती है, यानी कोर्ट्स कैसे कैसे हैं, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, फैसले कैसे दिए जाते हैं, केसेस कैसे लड़े जाते हैं, ये सारे जो ये सिस्टम है इसको हम, इस सिस्टम को हम नाम देते हैं क्या, इसको हम नाम देते हैं जुडिशियल सिस्टम का, दिस इज़ जुडिशियल सिस्टम. तो पाकिस्तान के अंदर भी सेम ये जुडिशियल सिस्टम है. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको कि जुडिशियल सिस्टम से मतलब जो है वो क्या है. ओके, सो अभी आते हैं थोड़ी सी इसकी डेवलपमेंट के ऊपर कि इसकी जो डेवलपमेंट हुई है जुडिशियल सिस्टम की वो कैसे हुई है. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान प्री इंडिपेंडेंट सिरा को अगर हम देखें कि उसमें कैसे ये सिस्टम रहा है, यानी आज़ादी से पहले कैसे था और आज़ादी के बाद कैसे है, इसको थोड़ा देखते हैं. क्यों, क्योंकि हमने जो सिस्टम ये लिया है, ये सिस्टम बेसिकली हमने बोरो किया है. कहाँ से बोरो किया है, हमने बोरो किया है प्री इंडिपेंडेंट जो ब्रिटिश सिस्टम था, हमने उससे ये बोरो किया है ये जो सिस्टम है. ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो हिस्ट्री है या इसकी जो डेवलपमेंट है ये आपको इन अ रियल सेंस जो है वो प्री पार्टीशन से मिलती है. ठीक है, प्री पार्टीशन से मिलती है. सो व्हाट डज मीन, द रूट्स ऑफ करंट जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेच बैक टू द मिडिवल पीरियड, यानी नाइन्थ सेंचुरी एंड इवन बिफोर. जो हमारे यहाँ अभी का जुडिशियल सिस्टम चल रहा है ये नवीं सदी का है, यानी नाइन्थ सदी में जो लॉ डिवेलप हुआ था हमारे यहाँ भी वही चल रहा है. कैसे चल रहा है, द जुडिशियल सिस्टम दैट वी प्रैक्टिस टुडे हैज़ इवॉल्व ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्पेनिंग रफली ओवर अ होल मिलीनियम. ठीक है, यानी ये कोई तकरीबन 100 साल, यानी एक सदी की, 10 सदियों की बात हो रही है, 10 सदी, ठीक है, 10 सदियों की बात हो रही है. ठीक है, ये जो हमारा जो है जुडिशियल सिस्टम ये 10 सदी पहले का है. ठीक है, ओके,
द सिस्टम हैज़ पास्ड थ्रू सेवरल इरास कवरिंग हिंदू इरा, हिंदू जो टाइम होता था हिस्ट्री में उनका अपना जुडिशल सिस्टम होता था, मुस्लिम पीरियड आया 6th सेंचुरी के बाद उनका अपना जुडिशल सिस्टम आया था जिसमें मुगल था, और बाद में जो है ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड आया जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड तक भी वही रहा। यानी हमने मेडिवल, मेडिवल के बाद लॉ डेवलप हुआ इस्लाम, इस्लाम के बाद मेडिवल, फिर हिंदू, हिंदू के बाद इस्लाम, और इस्लाम के बाद जो है ब्रिटिश ने जब जब कॉलोनीज बनाया पूरी दुनिया को और पर्टिकुलरली सब कंटिनेंट को, तो उन्होंने अपना एक सिस्टम दिया था, अपना जुडिशल सिस्टम दिया था, और आज तक भी हम उसी जुडिशल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो हमें ब्रिटिश देखे गए थे 18वीं और 19वीं सदी के अंदर। ठीक है, ये कोई हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है जुडिशल सिस्टम, ये सारा हमने उनसे बोरो किया हुआ है, ये सारे जो कोर्ट सिस्टम, ये कचहरी, सारा सीन उन्हीं का ही है। ठीक है, ये सारे ओहदे वगैरह सारे उन्हीं के। अभी भी देखें सिंध के अंदर जो पुलिस एक्ट चल रहा है वो 1858 का चल रहा है, यानी 1858 का जो एक्ट ब्रिटिश ने दिया था उस टाइम पे, वही आज भी यहाँ पे पुलिस के अंदर फॉलो किया जा रहा है। और काफ़ी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, लॉज हैं, जो लॉज हम बरतानिया से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जो अभी तक हमारे पास रही है, हम माजी से हमारा जो ये लॉ है, जुडिशल सिस्टम है, ये इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता आ रहा है। ठीक है, ओके, सो अच्छा, पहले अगर हम देखें हिंदू दौर के अंदर, अगर देखें हम कि हिंदू दौर के अंदर कैसे रहा था ये सारा जो सिस्टम था, इसको अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि अगर हम डिवाइड करें कि प्री पार्टीशन हिस्ट्री में हिंदू दौर में अंदर हिंदू पीरियड जो था तो उसमें अगर देखते हैं तो ये तकरीबन 1500 साल हजरत, यानी आज से 2500 साल पहले की बात हो रही है। ये तब से ये जो हिंदू पीरियड है ये चला है, यानी उस टाइम पे हिंदूज के लॉज चलते थे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर ये होता था कि विलेज लेवल के ऊपर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते थे, यानी विलेज पे विलेज पंचायत होती थी जो क्या करते थे, जस्टिस को डिस्पेंड करते थे, और एक असेंबली होती थी विलेज की। ठीक है, और उसमें फैमिली का जो बड़ा होता था वो बड़ा होता था, और जो विलेज का हेडमैन था वो एदा जज या मैजिस्ट्रेट के तौर पे वहाँ पे काम सर अंजाम देता था हिंदू लॉ के अंदर। ठीक है, आज से ये तकरीबन 2500 साल पहले की बात हो रही है। तो उसके अंदर ये सीन होता था सारा, यानी एक गांव होता था, गांव के अंदर कबीला होता था, कबीले के कुछ लोग होते थे, उनका एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता था, उनका एक हेड होता था जो इश्यूज़ को रिजॉल्व करता था, जो भी इश्यूज़ होते थे। ठीक है, जो डिसीशंस होते थे विलेज के या टाउन के या कोर्ट्स के या ट्रिब्यूनल्स के उस टाइम पे, वो अप्लीकेबल होते थे हायर कोर्ट्स में, और हायर कोर्ट्स में अपील भी होती थी। जब हायर कोर्ट में अपील होती थी तो उसके बाद किंग की दरबार में भी उसकी अपील हो सकती थी, यानी विलेज के अंदर अगर आपको, आप सेटिस्फाइड नहीं होते थे तो आप हायर कोर्ट्स होती थी वहाँ पे अपील करते थे, अगर वहाँ पे अपील नहीं होती थी तो फिर आप किंग जो होता था उसके कोर्ट में अपील करते थे जाके, बिल्कुल आज जैसे हमारे यहाँ होता है लोअर कोर्ट्स होते हैं, अगर वहाँ पे नहीं तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में। ये आज से 2500 साल पहले भी यही सीन होता था सारा, उस टाइम पे भी यही सीन चलता था सारा, और इस तरीके से हिंदू पीरियड के अंदर ये सारे आप कहें कि जो कोर्ट्स होते थे ये ऐसे काम करते थे जुडिशल सिस्टम में। ये हिस्टोरिकल मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं आगे। अच्छा, एज रिगार्ड द प्रोसीजर फॉलोड इन द कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स, नो फॉर्मल रूल्स एग्जिस्टेड एज द लॉ एप्लीकेबल वॉज नॉट स्टेचुरी बट कस्टमरी एंड मॉरल लॉ। उस दौर में कोई भी फॉर्मल लॉ नहीं होता था, उस टाइम पे कस्टमरी लॉ चलता था या मॉरल लॉ होता था, यानी लिखे हुए सूरत में कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, जो चीज़ ठीक होती थी उसको फॉलो किया जाता था, जो गलत होती थी उसको फॉलो नहीं किया जाता था, यानी ये कोई फॉर्मल लॉ नहीं था। ठीक है, स्टेचुरी लॉ नहीं था। स्टेचुरी क्या होता है, स्टेचू मैंने पहले बताया कि जो पार्लियामेंट में लॉ बनता है जो रिटन फॉर्म में होता है, ये वैसा लॉ नहीं होता था उस टाइम पे, ये अनरिटन होता था और ये इनफॉर्मल होता था, उस पे ये फैसले होते थे सारे हिंदू पीरियड के अंदर। ठीक है, वहाँ पे तो ये सीन होता था सारा। जब हम मुस्लिम पीरियड को देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें पता चलता है उनका भी अपना एक लॉ था। ठीक है, जो मुस्लिम पीरियड है वो 11th सेंचुरी में आया सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और 14th सेंचुरी में पर्टिकुलरली जैसे मुगल थे ये सारे लोग लेके आए। तो मुस्लिम रूलर्स जो होते थे वो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते थे। ठीक है, और वो जो थे सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को भी इस्लाम के मुताबिक रिजॉल्व करते थे। हाउएवर, कॉमन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन वर आल्सो रेज्ड इन सेटिंग सेक्युलर मैटर्स
डिफरेंट कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन फंक्शन एट द सेंट्रल प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील लेवल। ठीक है, तो मुस्लिम्स दौर के अंदर लॉ ने और डेवलप किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे कोर्ट्स जो हैं उनको बनाया और इन्होंने थोड़ा लॉ को कोडिफाई किया, क्योंकि शरीयत के अंदर लॉ मौजूद होता था तो ये शरीयत के मुताबिक सारे डिसीजन देते थे, चाहे क्रिमिनल डिसीजन हो या वो सिविल डिसीजन हो, ये सारे इस तरीके से दिए जाते थे मुस्लिम दौर के अंदर। दीज कोर्ट्स हैड डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन इन सिविल, क्रिमिनल एंड रिवेन्यू मैटर्स एंड ऑपरेटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ किंग। ये जो कोर्ट्स होती थी तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, इनकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन होती थी और इनका अपना काम होता था, कुछ सिविल मैटर्स को डील करती थी, कुछ क्रिमिनल्स को डील करती थी और कुछ रिवेन्यू को डील करती थी, जैसे उश्र और ज़कात होती है, उनके लिए भी इन्होंने लॉज बनाए हुए थे, ये उनको भी डील करती थी। ठीक है, मुस्लिम पीरियड के अंदर वहाँ पे थोड़ा आपको पता चल रहा है कि लॉ थोड़ा सा जो है वो जस्टिफाइड हो रहा है, वो थोड़ा सा फॉर्मलाइज हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, जब हम और आगे चलते हैं तो हमें ब्रिटिश दौर नज़र आता है, यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का जो दौर था, ब्रिटिश दौर था। तो ब्रिटिश दौर कैसे आया, आपको पता है सारों को कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको एक चार्टर दिया गया 1923 के अंदर के वो केसेस खुद डिसाइड करेगी। ठीक है, जो उसके अपने कोर्ट्स होंगे, ठीक है, वो केसेस अपने खुद डिसाइड करेगी अपने कोर्ट्स के अंदर, अपने ही कोर्ट बनाएगी कंपनी। और उसी कंपनी ने 1858 में ज़ाहिर है इस्लाम सब कॉन्टिनेंट को अपने कब्ज़े में ले लिया, यानी इंडिया और पाकिस्तान उसके कब्ज़े में आ गया, तो ऑब्वियसली अभी यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी वही डिसीजन देने थे जो उसके अपने डिसीजन होते थे। तो जो प्रेसिडेंट था कौंसिल का कंपनी का, उसने डिसाइड किया कि जो सिविल और क्रिमिनल डिसीजन हैं वो जो कंपनी का हेड है वही देगा, उस कौंसिल का, यानी वो चीफ जस्टिस होता था एक हिसाब से यहाँ पे। फिर क्या हुआ कि एक चार्टर दिया गया 1661 में, जिसने जो गवर्नर था उस कौंसिल का यानी कंपनी का, ठीक है, केसेस का, उसने क्या किया कि अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ को और जो उनकी एरियाज़ के अंदर रहते थे लोग, उनको उनके डिस्प्यूट्स को वो रिजॉल्व करता था उस चार्टर के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी उसके अगर अंदर में कोई झगड़ा हो गया या जहाँ पे उसने कब्ज़ा किया हुआ है तो वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो गया तो वहाँ पे ये जो थे कंपनी खुद डिसाइड करती थी सारी चीज़ें। सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वाज इनिशियली कन्फाइंड टू प्रेजिडेंसी टाउन मुंबई, कोलकाता एंड मद्रास। तो पहले बम्बई, कोलकाता और मद्रास में इन्होंने अपने कोर्ट्स बनाए और वहाँ से इन्होंने अपने जुडिशियल सिस्टम की इफ्तिताह की। उससे पहले ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सिर्फ अपने अंदर जो इश्यूज होते थे उनको रिजॉल्व करती रहती थी, बाहर इसका कोई काम नहीं होता था। बट फिर क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने मुंबई, कोलकाता और मद्रास में अपने जो हैं वो कोर्ट्स जो हैं ओपन किए, और चूँकि आहिस्ते आहिस्ते कब्ज़ा करते जा रहे थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में, तो अपना जुडिशियल सिस्टम वो पूरी सब कॉन्टिनेंट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो था वो इवॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अगेन टू रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग जो है उसकी हिस्ट्री हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता के अंदर, ठीक है, 1773 के अंदर, और एक कोर्ट कंसिस्ट की गई जिसमें चीफ जस्टिस होता था और अदर जजेस होते थे, एक्सरसाइजिंग बोथ सिविल एंड क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। फिर वहाँ पे एक कोर्ट बनाई गई जिसका चीफ जस्टिस होता था, वो सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर को जो इश्यूज होते थे उनको रिजॉल्व करते थे। फिर एक और एक्ट आया 1861 के अंदर जिसमें सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, ठीक है, प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर, यानी उन्हीं के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स बनाई गई कलकत्ता, मद्रास, मुंबई के अंदर। और फिर जो था द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो आज भी हमारे यहाँ चलता है, कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर आप पढ़ते होंगे, 1908 के अंदर जो हमारे यहाँ चलता है वो दिया गया सबसे पहले। ठीक है, जो प्रिंसिपल कोर्ट था यानी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज उसमें बनाए गए, कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसमें बनाए गए, कोर्ट ऑफ सिविल जज उसमें बनाए गए और कोर्ट ऑफ मुंसिफ उसमें बनाया गया जिसे हम मैजिस्ट्रेट कहते हैं। ये सारे जो आप कोर्ट्स देख रहे हैं ये कोर्ट्स 1908 में जो कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर बनाया गया था ब्रिटिश की तरफ से, ये उन्होंने बनाया था उस टाइम पे बनाया था, जिसको आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। ये ब्रिटिश का दिया हुआ लॉ है, ये कानून है, जुडिशियल सिस्टम है, जिसको आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर फाइनली उन्होंने एक एक्ट दिया 1935 के अंदर जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं,
ठीक है, उसमें हाई कोर्ट्स को मेंटेन किया गया सूबों के अंदर, और वहाँ पे एक फेडरल कोर्ट बनाया गया, और फेडरल कोर्ट 1935 के अंदर बनाया गया, और जो कि 1956 के नए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने पहली दफ़ा बनाया था उसके अंदर भी उसको मैनेज किया गया। यानी कि अभी देखें, मैंने स्टडी किया हिंदू और मुस्लिम पीरियड और फिर ब्रिटिश पीरियड, और ब्रिटिश पीरियड ने कैसे जो आजकल के हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का 1956 के अंदर, उसके अंदर भी जो काफ़ी सारी चीज़ें थी वो हमने 1935 के एक्ट से ही ली थी। ठीक है, ये 35 का एक्ट है, ठीक है, ये 1935 का एक्ट है। तो उसमें फेडरल कोर्ट भी बन गई थी, हाई कोर्ट्स भी बन गए थे, और वहाँ पे जो थे लोअर कोर्ट्स भी थे जिसमें सिविल जो है जुडिशल मैजिस्ट्रेट भी बैठता था, सिविल कोर्ट्स भी थे और क्रिमिनल कोर्ट्स भी थे। तो ये ब्रिटिश ने बना दिए थे, और फिर जब हम आज़ाद हुए तो हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जुडिशल सिस्टम बनाया, तो उसी ब्रिटिश के असूलों को, उन्हीं ब्रिटिश के सिस्टम को ही हमने जो है डेवलप किया और आगे जो है हमने कैरी ऑन किया आगे। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होंगी चीज़ें कि कैसे पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी डेवलपमेंट हुई है, मेडिविल दौर से, मेडिविल से हिंदू दौर, हिंदू दौर से मुस्लिम दौर, और मुस्लिम से ब्रिटिश दौर, और ब्रिटिश दौर से फिर हमने जब आज़ादी ले ली तो उसके बाद हमने अपना जुडिशियल सिस्टम डेवलप किया, और वो जुडिशियल सिस्टम भी हमारा ब्रिटिश से ही कॉइंड किया गया था, वहाँ से ही हमने उसको ड्राइव किया था। ठीक है, ओके। सो अभी हम देखें कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा वो कैसा है, यानी आज़ादी के बाद जो हमने डेवलप किया सिस्टम वो कैसा था जो अभी तक हमारे यहाँ चल रहा है। सो ऑन इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज रिटेन्ड एज अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमने चूंकि उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया था, तो हमने जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था 1935 का, हमने उसी को ही रिटेन किया था थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कि जब तक हम नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाते तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अंदर रहेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था वो अभी मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट भी थी, हाई कोर्ट्स भी थी, लोअर कोर्ट्स भी थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको मेंटेन किया गया जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। सो द लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश पीरियड कंटिन्यूड विद ड्यू एडॉप्शंस एंड मॉडिफिकेशंस, देयर फॉर द जुडिशियल स्ट्रक्चर रिमेंड द सेम। तो चूंकि उसी ब्रिटिश सिस्टम को हमने वो किया था, बोरो किया था, उसी को एज अ प्रोविजनल के तौर पे चला रहे थे, तो हुआ क्या, वही सिस्टम जो था हमारे यहाँ कुछ एडॉप्शंस के साथ सेम ही रहा, और अभी तक भी वो सेम रह रहा है। ठीक है, बट द सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 56 में, दूसरा 62 में, और तीसरा 1973 के अंदर, दे डिड नॉट ड्रास्टिकली अल्टर द जुडिशियल स्ट्रक्चर और द पावर्स इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीयर कोर्ट्स। उन्होंने कोई भी कोर्ट्स के जो पावर्स फंक्शंस थे उनको इतना अल्टर नहीं किया। जो वही ब्रिटिश ने सिस्टम दिया था 1935 के अंदर, उसी को जब हमने प्रोविजनल और 56 के अंदर जब हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 62 में बनाया, 73 में जो बनाया, और जो अभी तक हम बना रहे हैं, ये सेम वो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इन्हीं के अंदर भी उन्हीं कोर्ट्स के वही पावर्स हैं जो पावर्स हमें दिए गए थे उस टाइम पे ब्रिटिश के दौर में। तो ब्रिटिश के सेम जो पावर्स थे, फंक्शंस थे जुडिशियल सिस्टम के अंदर, वी आर अडॉप्टिंग दीज ऑल। हमने थोड़ा सा उनको अल्टर किया है, अदरवाइज हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर वही सेम चीज़ें चल रही हैं जो उस टाइम पे थी। तो कोई यहाँ पे ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो ये वही सेम ब्रिटिश का कानून ही है, ब्रिटिश का जुडिशियल सिस्टम ही है जिसको अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। थोड़ी सी चेंजिंग लाई है तो लाई है, तो इट मीन्स कि हमारी अपनी क्रिएटिविटी इस जुडिशियल सिस्टम के अंदर इतनी नहीं है जो ब्रिटिश ने हमें दिया था। तो हमने तकरीबन चीज़ें उसी को ही फॉलो किया है और उसी को ही हम देख रहे हैं, गॉट इट, जो अभी तक भी हमारा जुडिशियल सिस्टम चल रहा है। ये आपके लिए नई चीज़ होगी, बट दिस इज़ इंटरेस्टिंग, ये ऐसा ही है। ठीक है, सो अभी हम आते हैं कि अभी हमारा करंट जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, तो जो हमारा करंट जुडिशियल सिस्टम है उसमें जो टॉप पे आती है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जो है एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, हायर जुडिशरी भी कहा जाता है, सुप्रियर जुडिशरी भी कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है। ये एक ही काम है। ठीक है, टॉप पे जो है हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड। ये एपेक्स कोर्ट है, सुप्रियर जुडिशरी है, एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल एपेलेट एंड
एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो क्या है, एक तो कुछ इसकी ओरिजिनल है, ये अपने पावर खुद यूज़ करता है, कुछ इसकी एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है यानी ये एज अ अपीलिंग कोर्ट के तौर पे काम आता है, यानी लोअर कोर्ट से आप डिससेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से नहीं है तो लास्ट आपका रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट होता है, तो ये एपेलेट कोर्ट का भी काम करता है। और ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, ये एडवाइस भी करता है एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को कि आप ये लॉ इस तरीके से बनाएं। तो ये तीन किस्म की ज्यूरिसडिक्शंस हैं कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। कौन सी, एक तो उसकी ओरिजिनल है, वो सो मोड ले सकता है, जुडिशियल रिव्यू ले सकता है, एक उसकी एपिलेट है अगर उसके पास कोई अपील जा रही है तो उस पर डिसीशन लेगा, और तीसरी है उसकी एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, वो एडवाइस ले दे सकता है कि इसको ऐसे बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोरोना के ऊपर जो इशू आया था अभी जो जस्टिस ने दिया है, ठीक है, तो जस्टिस ने वो जो सो मोटो लिया था वो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन थी, और आपने देखा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जब पनामा लीग में हाई कोर्ट में डिसीशन आया तो उसने सुप्रीम कोर्ट में वो डिसीशन दिया, तो वो क्या था, वो उसका एपीलेट वो था। और तीसरा एडवाइजरी है, अभी जब चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन वाला इशू हुआ था तो इसने एडवाइजरी रोल प्ले किया, उसने एडवाइज़ किया कि अभी इसकी जो लेजिस्लेशन है वो पार्लियामेंट करे जाके। तो ये तीन उसके रोल होते हैं बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो मीन्स इट इज़ द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट अपील एंड देयर फॉर फाइनल आर्बिटर ऑफ लॉ, इसके बाद कोई फैसला नहीं होगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, इसके जो भी डिसीशन होंगे वो सारों पे बाइंडिंग होते हैं, कोई भी उनको छेड़छाड़ उनके साथ नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से आपको सज़ा मिल गई तो फिर प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही उसको ख़त्म कर सकता है, अदरवाइज कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये फाइनल और फाइनल अथॉरिटी होती है सुप्रीम कोर्ट जो होता है। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, एक चीफ जस्टिस होता है, 17 और जजेस होते हैं, उसमें दो एडहॉक जजेस होते हैं अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एडहॉक जजेस कौन से होते हैं, जिनको फॉर अ टाइम बीइंग अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, ओके। तो कौन बन सकता है चीफ जस्टिस उसका कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज, अ पर्सन विद 5 years एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, उसके पास होना चाहिए, और 15 years स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, या उसका जो है 15 साल की स्टैंडिंग होनी चाहिए हाई कोर्ट में, 5 साल की सुप्रीम कोर्ट में वो वकालत करता हो, एडवोकेसी करता हो, या 15 साल की वो हाई कोर्ट की करता हो, वही एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। 15 साल उसका एक्सपीरियंस हो हाई कोर्ट में और 5 साल से वो वकालत करता हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। और जो इसका चीफ जस्टिस बनता है वो चीफ जस्टिस बनाया जाता है एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी जिसका टर्म ज़्यादा होता है, जो मोस्ट सीनियर होता है वो बनता है, उसके बाद सीनियर, और ये ऐसे हायरार्की चलती है। ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और इसके ये राइट्स होते हैं और ये उसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट का तरीकाकार होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, ओके। The Chief Justice recommends a list of names to the President and President select judges from the said list. अगर जज बनना है किसी ने सुप्रीम कोर्ट का, तो होता क्या है कि जो चीफ जस्टिस है वो प्रेजिडेंट को एक लिस्ट भेजता है कि ये जजेज हैं इनको रखना चाहते हैं, ठीक है, ये इनको रखना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो भेजता है। तो फिर क्या होता है, रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट फॉर सम रीजंस टू बी रिकॉर्डेड ऑन द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस जो भी लिस्ट भेजता है जजेस को अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, वो प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, सवाए अगर उनके मॉरल कोड में कोई डिफरेंस हो, तो अगर कोई जज है उसका करियर ठीक नहीं है, उसका कोई पीछे से प्रोफेशन ठीक नहीं है, तो वो अलग बात है, अदरवाइज जो भी चीफ जस्टिस भेजता है वही पूरी होती है चीज़ें। The court exercises original jurisdiction in intergovernmental disputes between federal government and provincial government or among provisional governments. तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसका मेन काम यही होता है कि अगर फेडरेशन और सूबों में कोई डिस्प्यूट आ गया है तो वो रिजॉल्व कौन करेगा, वो रिजॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर सूबों के अंदर कोई इशू आ गया है तो उसको भी रिजॉल्व कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मेन काम यही होता है कि फेडरेशन और सूबों में जो डिफरेंस आ जाए, डिस्प्यूट्स आ जाएँ, कन्फ्लिक्ट्स आ जाएँ, तजादात आ जाएं, उन तजादात को ये रिजॉल्व करता है, ठीक है। द कोर्ट आल्सो एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वेयर अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वॉल्व।
तो क्या करता है कि फंडामेंटल राइट्स को इम्पोज करवाना भी चीफ जस्टिस का काम होता है। अगर किसी फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं अगर वो पूरे नहीं हो रहे तो जो जो है क्या कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वही उनको अप्लाई करवा सकता है, वही उनको इन्फोर्स करवा सकता है। ठीक है, जैसे कोविड के अंदर अभी उन्होंने सो मोटो लिया था तो उसके अंदर क्या किया था उसने, उसके अंदर बेसिकली किया ये था कि इंसानों की जानों से खेला जा रहा है, इंसान की जान जो है फंडामेंटल राइट है तो उसको प्रोटेक्ट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो कोविड 19 के अंदर सो मोटो के अंदर भी उसने यही केस डाला था इस बेस के ऊपर। ठीक है, द कोर्ट हैज एप्लाइड ज्यूरिसडिक्शन इन सिविल क्रिमिनल क्रिमिनल मैटर, फर्दर मोर द कोर्ट हैज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इन्वॉल्विंग ओपिनियन टू द गवर्नमेंट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्या है, ये अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है, इसकी अपील आए तो वो उसको रिजॉल्व कर सकता है, वो चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो। ठीक है, और ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, मैंने बताया कि चीफ जस्टिस के मामले में इसने एडवाइस किया था। ये सुप्रीम कोर्ट है, उसके पावर्स, उसके स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शंस की बात हुई जो हमने किया। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, ओके, सो हाई कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट्स, ठीक है। अब उस पर इस पर वो ऑप्शन नहीं है ऑन करने वाला, तो ये लास्ट में मैं क्वेश्चंस आप लोगों से लूँगा, आप लिखते जाएं, ठीक है, उनको आप नोट आउट करते जाएं। सो द हाई कोर्ट ये दूसरे नंबर पे हायरार्की में आता है जुडिशियल सिस्टम के अंदर। देयर इज अ हाई कोर्ट इन ईच प्रोविंस, हर सूबे में होता है। ईच कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, चीफ जस्टिस होता है और दूसरे जजेस होते हैं हाई कोर्ट के अंदर। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड अदर जजेस इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर ऑफ द प्रोविंस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। तो जो चीफ जस्टिस होता है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, किसके कंसल्टेशन से, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन से। और जो हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं वो किसकी कंसल्टेशन से होते हैं, वो होते हैं कंसल्टेशन से गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। उनकी मर्जी से वो जो है कोर्ट्स में जजेस बनते हैं। Qualifications maintained for the post of judge are 10 years experience as a advocate of high court, 10 साल उसका हो, 10 years service as a civil servant including 3 years experience as a district judge, 3 साल उसकी civil judge के तौर पे जो appointment हो, ठीक है, और 10 years experience in the judicial office, किसी भी judicial office में वो 10 साल तक काम करता हो, ठीक है, और अगर 13 साल तक वो जो है लोअर कोर्ट्स के अंदर जज रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट बनने के काबिल बन सकते हैं, उसको जज बनाया जा सकता है। यानी हाई को जो लोअर कोर्ट्स हैं वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, उसके अंदर अगर उसने 13 साल तक काम किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसका जज बन सकता है। अगर अगर उसने किसी जुडिशल ऑफिस में 10 ईयर्स काम किया है तो वो भी क्या है, वो हाई कोर्ट का जज जो है वो बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट होती है। अच्छा, तो उसके अपॉइंटमेंट का तरीकेकार क्या है। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हाई कोर्ट इज दैट इनिशियली द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, एक लिस्ट बनाएगा अगर जिसको अपॉइंट करना है, विच इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट थ्रू द गवर्नर, वो प्रेसिडेंट को जमा कराई जाएगी गवर्नर के बाद, गवर्नर उसको देगा, और द प्रोविंस इन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और बाद में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दी जाएगी अगर किसी को भी अपॉइंट करना है तो। ठीक है, देन द प्रेजिडेंट फाइनली सेलेक्ट जजेस फ्राम द सेड लिस्ट, प्रेजिडेंट उसमें सेलेक्ट करेगा। द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन प्रेजिडेंट एक्सेप्ट फॉर साउंड रीजन्स टू द कंट्ररी। तो मुझे नाम आ रहा है ये जो भी हरकत कर रहा है, पिछली दफ़ा वाले बंदे से पूछिएगा जाके आप। ठीक है, सो जो चीफ जस्टिस है वो तकरीबन वही लिस्ट जो है उन्हीं जजेस को अपॉइंट कर लेता है जो जजेस क्या होते हैं, जो जजेस सुप्रीम कोर्ट खुद भेजता है। यानी अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने जिनको रिकमेंड किया है कि ये जजेस होने चाहिए हाई कोर्ट के, तो उसको गवर्नर भी एक्सेप्ट कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी एक्सेप्ट कर लेता है, और सेम तरीके से जो है आपको जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो बन जाते हैं जिनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कह दे कि ये बने तो बन जाते हैं। द कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स,
फंडामेंटल राइट्स का उसका राइट है, अपील है उसकी कि वो देख सकता है अगर किसी के ब्रेच हुए हैं। एपिलेट कोर्ट का काम करता है कि अगर आप जो हैं लोअर कोर्ट्स ने में सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो वो भी सुनता है, ठीक है। इन जजमेंट्स ऑफ दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, तो ये उसका मैटर्स होता है, जुरिसडिक्शन होता है, यानी सूबे में ये एडवाइस भी कर सकता है सूबों को। और एपिलेट कोर्ट्स अगर लोअर कोर्ट्स में कोई अपीलें आई हैं ऊपर तो ये उनको भी एड्रेस करता है, और साथ में ये जो इसके ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है अगर फंडामेंटल राइट कोई भी ब्रीच हुआ है कहीं पे तो ये उसको भी काउंटर करता है आके। तो ये भी इसके भी सेम वही पावर्स हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के थे, बट सुप्रीम कोर्ट के पूरे मुल्क लेवल पे थे, उसके ब्रॉड थे, और इसके सिर्फ विद इन प्रोविंस होते हैं, दूसरे प्रोविंस में नहीं होते, ठीक है। ये है हाई कोर्ट। देन देयर इज फेडरल शरिया कोर्ट, ठीक है, ये भी हमारे यहाँ आता है, हमारी हायरार्की जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है। इस कोर्ट में 8 मुस्लिम जजेस होते हैं जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है। सच जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द अमंग द सर्विंग आर रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कुछ सर्विंग जजेस भी होते हैं, कुछ रिटायर्ड जजेस भी होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से बनाए जाते हैं हाई कोर्ट के अंदर भी। फ्रॉम द अमंग द पर्सन पोजेसिंग क्वालिफिकेशन ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट का जज बनने का जिसका इख्तियार है, जिसका जो अहल है, उसको भी शरिया कोर्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है और दूसरों को भी। ऑफ द 8 जजेस 3 आर रिक्वायर्ड टू बी उलमा, 3 जज जो हैं वो उलमा होने चाहिए फेडरल शरिया कोर्ट के अंदर, जिनको इस्लामिक लॉ आता हो। द जजेस होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल तक होते हैं और फिर चेंज हो जाते हैं। प्रेसिडेंट में फर्दर एक्सटेंड पीरियड, और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उनके उसको एक्सटेंड कर सकता है, बस 3 सालों तक उसका टर्म होता है। द कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन और थ्रू पिटिशन बाय सिटीजन ऑफ गवर्नमेंट मे एग्जामिन एंड डिटरमिन टू वेदर और नॉट सर्टेन प्योरल लॉ इज ऑब्जेक्शनेबल टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इस्लाम और नॉट। इसका काम एक होता है, वो ये होता है कि कोई भी नया जो लॉ बनाया जा रहा है तो क्या वो लॉ जो है वो इस्लाम के मुताबिक है कि नहीं है, ये सिर्फ उसको एग्जामिन करना फेडरल शरिया कोर्ट का काम होता है और कोई काम नहीं है। क्रिमिनल सिविल कोई लॉ ये रिजॉल्व नहीं करता है ये इशू, इसका काम सिर्फ एक ही है, वो ये है कि जो नए लॉज बनाए जा रहे हैं क्या वो इस्लाम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, दैट्स इट, बस सिर्फ यही है उसका काम है, ठीक है, और कोई काम नहीं है इसका जो फेडरल शरिया कोर्ट है, ठीक है। ओके, तो फिर आते हैं नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जो जजेज आते हैं। लाइक द सबऑर्डिनेट जुडिशरी मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, 2 कोर्ट्स होते हैं सबऑर्डिनेट लेवल पे, यानी हाई कोर्ट के नीचे कुछ सिविल कोर्ट्स होते हैं, कुछ क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे सिविल जज बैठता है और जहाँ पे मैजिस्ट्रेट बैठता है, ठीक है। सो इन एडिशन देयर आल्सो एग्जिस्ट अदर कोर्ट्स ऑफ ट्रिब्यूनल ऑफ सिविल क्रिमिनल नेचर क्रिएटेड अंडर स्पेशल लॉज इनेक्टमेंट्स, इनके नीचे कुछ और भी होते हैं जो कोर्ट्स होती हैं। लाइक देयर जुरिसडिक्शन पावर इन फंक्शंस आर स्पेसिफाइड इन स्टैट्यूट्स क्रिएटिंग देम, उनके अपने पावर्स होते हैं, सिविल कोर्ट का अपना है, क्रिमिनल का अपना है। द डिसीशंस एंड जजमेंट्स ऑफ सच स्पेशल कोर्ट्स आर एसेसिबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी, या ये सारी चीज़ें। अब आप इसको ये समझें कि लोअर कोर्ट्स भी होते हैं, और आपकी जो पहली मंजिल होगी जब आप कंप्लीट करेंगे अपनी डिग्री, क्योंकि यू बिलोंग फ्राम दी लॉ डिपार्टमेंट, तो आप पहले आपको इन्हीं सिविल कोर्ट्स और इन्हीं क्रिमिनल कोर्ट्स का सामना करना पड़ेगा। आप सबसे पहले प्रैक्टिस इन्हीं लोअर जुडिशरी के अंदर करेंगे, फिर आप हायर जुडिशरी यानी हाई कोर्ट की जुडिशरी में जाएंगे, और फिर आप जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं चाहे वो सिविल हों या क्रिमिनल हों, हैव इस्टेब्लिश्ड अंडर जुरिसडिक्शन डिफाइंड बाय द लॉ, उनके अपने जुरिसडिक्शन हैं, वो लॉ ने डिफाइन कर दिए हैं, ये सिविल उसका काम है, ये उसका काम है। दे आर सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट के अंदर होते हैं, अंडर होते हैं, उनको हाई कोर्ट करता है, ठीक है। उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है, प्रोमोशंस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस टुगेदर विद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर डेल्ट विद अंडर द प्रोविजनल सिविल सर्वेंट्स एक्ट। जो लोअर कोर्ट्स हैं सिविल हो क्रिमिनल हो, उसके जजेस कैसे रिक्रूट होने हैं, उनकी प्रोमोशंस कैसे होनी है, उनकी जुरिसडिक्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट डिटरमिन करता है, ठीक है, ये हाई कोर्ट डिटरमिन करता है।
और उनकी जो इनिशियल रिक्रूटमेंट होती है, जैसे अभी सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये जो लिए जाते हैं ना, जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें यही जज होते हैं, सिविल जज कम मैजिस्ट्रेट, यानी सिविल जज के तौर पे उसे लिया जाता है और वो मैजिस्ट्रेट के रोल भी प्ले कर सकता है आगे चल के थ्रू प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो प्रोविंशियल कमीशन यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे है, वो उसका एग्ज़ाम लेती है और उसको गाइड कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। तो हाई कोर्ट के अंदर वो रिक्रूट किए जाते हैं और हाई कोर्ट उनके प्रमोशंस करता है और ये सारी चीज़ें उनकी डिसाइड होती हैं। गॉट इट? सो ये है पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम। इसको थोड़ा सा अगर हम उसमें देखें, डायग्राम के हिसाब से देखें, तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा कि जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है वो फेडरल कोर्ट आती है, ठीक है, और फेडरल कोर्ट मज़े की बात है इन सारों के ऊपर आती है, फेडरल कोर्ट जो है इन सारों के ऊपर आती है, ठीक है। इन सारों के ऊपर कैसे आती है, इन सारों के ऊपर ऐसे आती है कि अगर कोई हाई कोर्ट का डिसीशन है, ठीक है, जो हाई कोर्ट का डिसीशन है तो उस हाई कोर्ट के डिसीशन के अंदर वो अगर इस्लामिक लॉ के हिसाब से कोई ऐसा काम नहीं कर रहा, यानी जैसे पंजाब हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट अगर कोई ऐसा लॉ बना रहा है जो लॉ अगेंस्ट इस्लाम है, तो ये शरिया कोर्ट उसको मना करेगी आके, उसको टोकेगी आके। तो इसलिए शरिया कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है, ये उससे ज़्यादा अबव है। और दूसरा क्या होता है, पंजाब हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, केपीके है, बलूचिस्तान है, इस्लामिक हाई कोर्ट आता है उसके नीचे, और फिर उसके नीचे सबऑर्डिनेट जुडिशरी आ जाती है, और सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अंदर आपकी सिविल कोर्ट्स आ जाती हैं और आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स और जो सिविल कोर्ट्स है और क्रिमिनल कोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो सिविल और लॉ का प्रोसीजरल जो है काम है उसके अंदर चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को देख सकते हैं कि जिसके अंदर चलता है कि ये हमारा जुडिशियल सिस्टम है और इन हर कोर्ट का अपना फंक्शन है, अपना अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार है और हर इसके अपने तरीक़ेकार के हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती हैं। दिस इज़ हाउ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान वर्क्स। इस तरीके से जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है वो वर्क करता है, इस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि रोल ऑफ जुडिशरी इन द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान, द रोल ऑफ जुडिशरी इन द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है या जुडिशरी का जो रोल है वो डेमोक्रेसी के अंदर कैसे रहा है, इधर इट इज़ पॉजिटिव और इधर इट इज़ अ नेगेटिव रोल, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। सो जुडिशरी इन एनी कंट्री इज़ द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली ऐसे होता है, जुडिशरी का काम यही होता है कि वो क्या करती है, वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन और साथों साथ जो है वो जो आप कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटियर होती है। द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ और द बेसिक सब्सटेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का जो मेन चीज़ है वो ये होती है कि रूल ऑफ लॉ, यानी लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। ये जो है ये डेमोक्रेसी का रूल है, यानी डेमोक्रेसी के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है। और जुडिशरी जो होती है उसका काम होता है कि इस रूल ऑफ लॉ को वो क्या करे, इस रूल ऑफ लॉ को वो जो है प्रोटेक्ट करती है। जुडिशरी का काम यही होता है। अभी देखते हैं क्या पाकिस्तान में ऐसे होता है। यानी रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अजीम है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब बराबर हैं और सिविल लिबर्टीज़ हैं सबको, ये होता है रूल ऑफ लॉ। यानी मेरे लिए और आपके लिए लॉ बराबर हो, जिसे कानून की हुक्मरानी कहते हैं, ये डेमोक्रेसीज के अंदर होता है। और जुडिशरी का काम होता है इसको इंश्योर करना, ठीक है। बट पाकिस्तान एक्सपीरियंस विद जुडिशरी इज़ नॉट अ सक्सेस स्टोरी। क्या पाकिस्तान के अंदर आपको ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं? क्या वाकई ही जो पाकिस्तान है इसके अंदर जो जुडिशरी है वो कस्टोडियन रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, सिविल लिबर्टीज़ को मेंटेन किया है, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया है, या यहाँ पे माइट इज़ राइट वाला चक्कर रहा है हमेशा से? सो लेक ऑफ परफॉर्मेंस बाय द इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस गेव द अपॉर्चुनिटी टू द स्टेट इंस्टीट्यूशन टू इंटरवीन इन द पॉलिटिक्स। यहीं से मसला हुआ,
यहीं से मसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी है उसने एक्टिव रोल प्ले किया आके पाकिस्तान के अंदर, वो इस बेस पे किया आके कि जब इलेक्टेड हमारे लेजिस्लेचर थी, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था जब हमने डेमोक्रेसी की फेलियर्स की बात कर रहे थे तो के जो सिविलियंस थे वो सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जब सिविलियंस ने सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं की तो फिर जो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस थे वो चाहे आर्मी थी चाहे जुडिशरी थी उसको मौका मिला कि वो एक्टिव रोल प्ले करे आके। अगर सिविलियंस सही तरीके से रहते, लेजिस्लेचर सही काम करती तो ना आर्मी ने आना था ना जुडिशरी ने इतना एक्टिव होना था, बट चूँकि उन्होंने सही काम नहीं किया तो क्या हुआ, तो उसके अंदर रीज़न ये हुआ, उसके अंदर ये हुआ कि जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने परफॉर्म किया नहीं, तो अपॉर्चुनिटी मिल गई दूसरे इंस्टीट्यूशंस को कि वो पॉलिटिक्स में इंटरवीन करें आके। और देखा जैसे मिलिट्री ने इंटरवीन किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, सिमिलरली पाकिस्तान की जुडिशरी ने भी आके इंटरवीन किया पाकिस्तान के अंदर। कैसे किया कि इन दिस सिनेरियो जुडिशरी फेल्ड टू चेक इन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम चेंज इन द केस ऑफ पाकिस्तान। तो जब जैसे ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नाकाम हुए, मार्शल लॉज लगे और उस मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं पाई, जुडिशरी रोक नहीं पाई इसको, हालांकि रोकना चाहिए था बट इट कुड नॉट रिजिस्ट मार्शल लॉज और इन्होंने उनके हक में फैसले किए सारे। रीज़न क्या था, रीज़न यही था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वीक हुए, उस वीक का फ़ायदा ये हुआ कि मिलिट्री ने लिया और उस मिलिट्री को जो जुडिशियल उसको जो लीगल फाउंडेशंस थी वो पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम या पाकिस्तान के जुडिशरी ने प्रोवाइड की। क्यों की, ठीक है, क्यों की, किस वजह से की, इसलिए कहा जाता है इट हैज़ बीन सेड दैट जुडिशरी प्रोवाइडेड बेसिस फॉर मार्शल लॉज, पाकिस्तान में जो मार्शल लॉज लगे थे उसके बेस जुडिशरी ने बनाए थे, एंड टॉपलिंग डाउन ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट सिंस इंसेप्शन ऑफ द न्यू बॉर्न कंट्री पाकिस्तान। तो जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा है उस मार्शल लॉ को जो लीगल फाउंडेशंस दी हैं वो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं, हमेशा से सुप्रीम कोर्ट में दी हैं, चाहे आप जो है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के अंदर देखें, चाहे आप स्टेट वर्सेस 200 केस के अंदर देखें, चाहे आप मुशरफ केस के अंदर देखें, ज़ियाउलहक केस के अंदर देखें, जब भी मिलिट्री ने मार्शल लॉ लगाया तो हमेशा जुडिशरी अंदर कूद पड़ी और जुडिशरी ने कहा कि नहीं ये मार्शल लॉ ठीक लगा है, वॉट इट। तो डेमोक्रेसी को टॉपल डाउन करने के अंदर जो जुडिशरी का रोल है अभी तक 2008 से पहले की बात हो रही है वो बड़ा मशकूक रोल रहा है, बड़ा डाउटफुल रोल रहा है जुडिशरी का उसके एक्सपेंशन के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये देखें ज़रा आप ये केसेस हैं ये 1947 टू 77 तक जिसमें हमेशा से जुडिशरी ने मार्शल लॉ को सपोर्ट किया है। ये आप केस देखें, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस देखें, इसमें मेन इशू था असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया जनरल गुलाम अहमद, गवर्नर जनरल गुलाम अहमद ने, और ये फैसला फिर डिसाइड हुआ सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई गवर्नर जनरल ने गलत फैसला किया, असेंबली को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए था, बट सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई हुकूमत की तरफ से गवर्नर जनरल गुलाम अहमद ने की और उन्होंने कहा नहीं ये ठीक हुआ है, तो उससे जस्टिफिकेशन मिली असेंबली को टॉपल डाउन करने की। यूसुफ पटेल केस था उसके अंदर भी ऐसे ही था, ठीक है, और उसके अंदर 200 केस था उसके अंदर भी ऐसे था, असमत जलानी केस था उसके अंदर भी ऐसे था, यानी कि मार्शल लॉ लगते हुकूमतें जाती हाई कोर्ट में केस दाखिल करती और हाई कोर्ट कहता कि गलत फैसला है मार्शल लॉ नहीं लगना चाहिए, और फिर हुकूमत अपील करती जाके फेडरल कोर्ट में और फेडरल कोर्ट कहती नहीं नहीं मार्शल लॉ ठीक लगा है, और इस तरीके से मार्शल लॉ जो था वो हमेशा से वैलिड हो जाता, हमेशा से लीगल हो जाता। इस तरीके से जो जुडिशरी का रोल रहा है पाकिस्तान के अंदर आप देखें वो बहुत ही नेगेटिव रोल रहा है, अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रॉम 2008 2008 से पहले की बात हो रही है, बट 2008 के बाद पाकिस्तान की जुडिशरी ने बड़ा एग्जर्ट किया है खुद को। अभी जो जुडिशरी है पाकिस्तान की वो एक किस्म की सिविलियन कस्टोडियन के तौर पे काम कर रही है, अगर आप देखें तो काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो डिसीजंस बड़े अजीबोगरीब से आए हैं, जैसे अभी डिसीजन आया था आपने देखा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर, अगर आप देखें तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एग्जर्ट किया खुद को और उन्हें ऑर्डर किए कि नहीं ये गलत हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं। तो अभी जो पाकिस्तान की जुडिशरी है वो इंतहाई स्ट्रांग हो चुकी है ये कहा जाता है, गॉट इट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो
ये आज का जो है, ये अभी की डिस्कशन थी, अभी एक और डिस्कशन भी हमारी होगी, बट ये डिस्कशन थी, ये आपका होम टास्क है विच यू आर सपोज टू प्रेजेंट, ठीक है।